येस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो डिस्कस करेंगे, पेडागॉजी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, एक सेशन टू है आपकी, क्लास टू है। अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ताकि दिमाग में बैठ जाए, जो टॉपिक है उसके आसपास भी अगर घूम करके क्वेश्चन आ जाए तो आप परेशान ना हो, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन पर फोकस रहेगा। तो कल हमने फर्स्ट सेशन डिस्कस किया था, वो क्वेश्चन मैं कल ही आपके साथ शेयर कर दूंगी। वीक में सिर्फ 3 सेशन होंगे ये प्रैक्टिस वाले, जो इन डेप्थ प्रैक्टिस है। इस वीक 4 हो गए हैं, क्योंकि मंडे को भी हमने प्रैक्टिस ही की थी टेस्ट वाली फॉर्म में। तो इसका रहेगा मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन 9:30 से शुरुआत होगी और हम लोग मिलेंगे डेली। फिर बाकी के जो दिन हैं आपके थर्सडे और फ्राइडे, उसमें हम एक छोटा कॉन्सेप्ट और फ्राइडे को स्टडी टिप्स का या कोई भी एक वीडियो रहेगा। तो 3 दिन लाइव होगा बेसिकली, बाकी के 2 दिन कुछ रिकॉर्डेड सेशंस चलेंगे। सैटरडे ऑफ रखेंगे और संडे को संडे वार्ता। ये नया टाइम टेबल है, अगर आपको नहीं पता है तो आप अवेयर हो जाइए और ये सेशन भी शेयर कर दीजिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस दोनों मैटर करेंगे। चलिए, होपफुली सेशन आपको पसंद ही आएगा, क्योंकि डिस्कशन है और अच्छे से समझ में आएगा। जिनको नोटिफिकेशन नहीं जाता या आगे कोई भी वीडियो ना मिस करना चाहे कोई भी, अगर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा। नहीं तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको टाइमली मिल जाए टीचिंग एग्जाम्स के बारे में, वो टाइम से मिल सके आपको। लेट्स लर्न स्क्वाड एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर PDF शेयर होती हैं और वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑब्वियसली फ्री। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए एक बार पढ़ के देखिए इसको। क्वेश्चन पढ़िए, टेक्नोलॉजी हैज लेड टू एन एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज, यानी जो प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट हुआ है, यानी टेक्नोलॉजी के आने से जो नॉलेज है उसका एक्सप्लोजन हुआ है। पहले क्या है, कुछ ही लोगों के हाथ में एक्सेस था, अभी टेक्नोलॉजी ने बहुत दूर तक पहुंचा दिया नॉलेज को, या जो भी नॉलेज को बिल्ड करना चाहे उसके पास संसाधन दे दिए। ये बात तो सुनने में सही लग रही है। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है इन 4 ऑप्शंस में से? एक्सेसिव इंफॉर्मेशन, यानी अत्यधिक सूचना, या फिर हम कहें बी ऑप्शन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एट हाई स्पीड, यानी उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार, या फिर सी ऑप्शन जिसका मतलब है एनहेंस्ड नॉलेज यानी वर्धित ज्ञान, या एक्सप्लोसिव इंफॉर्मेशन यानी विस्फोटक सूचना। क्या मानेंगे आप इसका सही उत्तर, ये बताइए, बताइए फटाफट से आंसर कीजिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। बहुत ही बढ़िया। देखिए एक बार, अगर मैं बात करूं, टेक्नोलॉजी हैज लेड टू एन एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज का सिंपल मतलब है, एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का विस्फोट हुआ है, किससे? प्रौद्योगिकी से। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी से ज्ञान का विस्फोट हुआ है, दैट मींस नॉलेज की जो रीच है, जो एक्सपेंशन है, जो ग्रोथ है, वो हाई स्पीड से, स्पीड इतनी तेज है जिसकी हद नहीं है। हम इमेजिन नहीं कर सकते थे अब से 10 साल पहले कि ऐसे भी सब घरों में बैठे होंगे और कोई त्रिपुरा से देखेगा, कोई असम से देखेगा, कोई यूपी में कहीं से देखेगा, कोई किसी दूर गांव से देखेगा, कोई दिल्ली से देख रहा है, कोई कहीं से, पूरे देश से हम जुड़े हुए हैं। या आप गूगल करेंगे कोई एक चीज और आपको हजारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आप जितना चाहें नॉलेज को खंगाल सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक। तो ये नेगेटिव वे में नहीं पूछा उसने कि एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि एक्सेसिव इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन एक्सेसिव है, बट बात हो रही है नॉलेज की। तो जो नॉलेज बिल्ड करेगा इस इंफॉर्मेशन से, उसको तो प्रॉपर उसमें रमना पड़ेगा एक तरीके से, उसको टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को। सिर्फ एक्सेसिव इंफॉर्मेशन को नॉलेज तो नहीं कहेंगे ना हम, तो उसे नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपनी मेहनत करनी पड़ती है, इन्फॉर्मेशन को उसको एक्सपीरियंसेस से जोड़ना पड़ता है। तो एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज का यहां मतलब है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एट हाई स्पीड। भाई जब जो टेक्नोलॉजी है वो आई, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन थोड़ी आई, और भी बहुत सारे साधन क्रिएट हुए। आप देखते हैं जो स्कूल्स में भी इतनी सारी ICT का हम यूज करने लग गए, और भी 70 तरह की चीजें आई। टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ इंटरनेट तो नहीं है ना, और भी चीजें हैं। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जो दूर दूर तक रीच है उसको हाई स्पीड पर कर दिया। इसका सिंपल मतलब यही है,
एनहेंस्ड नॉलेज, एक्सप्लोसिव इंफॉर्मेशन. अगर आप शब्द यहाँ पे इन वाक्यों को समझ करके, इस कथन को समझ करके समझ पा रहे हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल टू द पॉइंट डायरेक्ट है, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है. नेक्स्ट है, देयर इज एन इक्विवेलेंट वर्ड इन लैटिन फॉर द वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड. यानी निम्नलिखित शब्द के लिए लैटिन भाषा में एक समतुल्य शब्द है. वर्ड क्या है? ढालना, या फिर एग्जैक्टली अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टू मोल्ड. टू मोल्ड, बताइए एक बार फटाफट से बताइए. जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, वो एक्सप्लेनेशन से ज्यादा तथ्यात्मक था, वो डेफिनेटिव था. डेफिनेशंस में आप जबरदस्ती सारे ऑप्शंस का मतलब निकालने चलेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं, इसलिए भी मैंने आपको उस बात पे डिस्कशन कम किया है. बताइए टू मोल्ड का लैटिन वर्ड. देखो एजुकेशन वर्ड है जो कि इंग्लिश का वर्ड है, जिसको जोड़ा जाता है दो लैटिन के वर्ड से. लैटिन भाषा के दो वर्ड से निकला है. एक वर्ड होता है एड्यूकेयर, दूसरा वर्ड होता है एड्यूसियर. ठीक है, ये सब बातें नोट करते जाइएगा, इसलिए मैं धीरे चल रही हूं. एड्यूकेयर और एड्यूसियर, हिंदी वाले भी ऐसे ही लिखेंगे इसको. टू मोल्ड का मतलब है एड्यूकेयर. एड्यूकेयर का मतलब है टू मोल्ड. ठीक, टू मोल्ड. वही एड्यूसियर का मतलब है टू लीड, टू लीड आउट. ठीक, एड्यूकेयर का एक और भी मतलब है जिसको हम कहते हैं टू ट्रेन. क्लियर है बात? तो हम कह सकते हैं कि यहां जो लैटिन वर्ड है टू मोल्ड का एग्जैक्ट मतलब होगा एड्यूकेयर से. एड्यूसियर तब होता जब यहां टू लीड आउट लिखा होता. इतनी बात क्लियर हो पा रही है या नहीं? क्लियर बात है? फिर से समझ लो इसको, दिमाग में बिठानी है हमें चीजें, टाइम लग जाए एक्स्ट्रा, ये तो क्लास है. चलिए देखिए एक बार इसको फटाफट से समझ लीजिए. एजुकेशन वर्ड है, आपको पता है एजुकेशन यानी शिक्षा. ये जो, और एजुकेशन वर्ड आपको पता है ये इंग्लिश का वर्ड है. एजुकेशन का मतलब आप ये तो अंडरस्टूड है हमें कि एजुकेशन मतलब यहां इंग्लिश वर्ड है. एक ये निकला कहां से, इसकी जो उत्पत्ति है वो दो लैटिन भाषा के शब्दों से है. दो भाषा के, दो कौन से शब्द हैं वो? एक है एड्यूकेयर, ठीक, EDUCARE, एड्यूकेयर, एंड द सेकेंड वन इज एड्यूसियर, CERE. ठीक, एक है एड्यूकेयर, दूसरा है एड्यूसियर. ये दोनों ही लैटिन भाषा के शब्द हैं, लेकिन इनका मीनिंग अलग है, इनका मतलब अलग है. समझ पा रहे हो बात को? मतलब अलग है कैसे? एड्यूकेयर के दो मतलब होते हैं, टू मोल्ड यानी ढालना या परिवर्तन करना. ठीक, दूसरा इसका एक मतलब होता है टू ट्रेन, यानी ट्रेन करना एक तरीके से बच्चे को. ठीक है, या माइंड को अगर मैं कहूं, टू मोल्ड द माइंड और चाइल्ड, और टू ट्रेन द माइंड और चाइल्ड. एड्यूकेटम भी होता है, बिल्कुल सही बात है आपकी, बट अभी जिस कॉन्टेक्स्ट में हम यहां बात कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट पे चलेंगे. ठीक है, वो कभी और जब एजुकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब इस बारे में बात करेंगे. एड्यूसियर का सिंपल मतलब होता है टू लीड आउट. अभी इन दोनों वर्ड की कंफ्यूजन आपकी ना रहे, इसलिए मैं इन दो पे ही फोकस कर रही हूं. ठीक, एड्यूकेटम तो आप आसानी से पहचान लेते हैं. ठीक, टू मोल्ड या टू ट्रेन लिखे तो हम कहेंगे एड्यूकेयर की बात हो रही है. टू लीड आउट लिखे यानी गाइड करना, लीड करना, तो एड्यूसियर की बात होगी. क्लियर बात है? सीटेट के बारे में डिस्कशन कल करेंगे, गुलाम मोइन बिल्कुल डिटेल डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी. क्लियर है बात? आगे चल जाएं आप. यहां तक की बात क्लियर हो गई हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. तो आंसर क्या था इसका? बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे. देखो क्वेश्चन जैसे पूछेगा हम वैसे बताएंगे, अपना ज्ञान नहीं झाड़ सकते हम पेपर में, क्योंकि हमारे पास 4 ही ऑप्शन है, सब्जेक्टिव नहीं है एग्जाम. सब अच्छे हैं प्रियंका, होपफुली आप सभी सेफ होंगे. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए एक बार, 3 पढ़िए और ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये कई लोगों को बहुत आसान लगेगा, तब आपको पता चलेगा कि कितने मुश्किल क्वेश्चन बन सकते हैं इतने आसान टॉपिक से भी. देखिए एक बार, चलें आगे. क्लियर नहीं है तो
तो क्या इसको और थोड़ा जूम किया जाए? इससे जूम होगा नहीं है, देखिए एक बार। क्वेश्चन ने पूछा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि एवं विकास के जो संप्रत्यय हैं उनमें बच्चे के बारे में, बच्चे के वृद्धि और विकास के बारे में कौन सी एक बात सही है? करेक्ट लिखा है, नॉट करेक्ट नहीं लिखा, करेक्ट क्या है? चार आपके सामने स्टेटमेंट है। ए ऑप्शन कहता है ग्रोथ रेफर्स टू ओनली बायोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस बट डेवलपमेंट रेफर्स टू मेंटल सोशल एंड इमोशनल चेंजेस। बात तो सही है कि जो ग्रोथ है वो या तो जैविक या फिर शारीरिक पक्षों से, जो हिस्से बढ़ सकते हैं उनसे ही संबंधित है, बल्कि विकास जो है वो लगभग हर एक डेवलपमेंट के प्रकार से संबंधित है, जैसे सोशल, मेंटल, इमोशनल, सारे के सारे, एकदम करेक्ट है। ग्रोथ इज स्टैटिक बट डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। वृद्धि स्थविर किंतु विकास एक अविराम प्रक्रिया है, यानी एक टाइम के बाद जाकर के वृद्धि स्थविर हो जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी, रुक जाएगी, जबकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये बात भी हमें सुंदर लग रही है, सुशील लग रही है देखने में, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ कांट बी टेकन प्लेस विदाउट डेवलपमेंट, यानी वृद्धि जो है वो विकास के बिना नहीं हो सकती। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टेकन प्लेस थ्रू आउट दी लाइफ, यानी वृद्धि और विकास जीवन पर्यंत चलते हैं। तो ये तो ऑपोजिट हो गया बी बात का। बी में तो कहा गया है कि ग्रोथ एक समय के बाद मैच्योरिटी तक, परिपक्वता तक वृद्धि चलती है। अगर आपने चैप्टर वन देखा हो, अभी मैंने जो क्रैश कोर्स कराया था रीट और यूपीटेट के लिए, बहुत डिटेल में डेवलपमेंट कराया है, आपको साफ साफ बताया हुआ है कि एक मैच्योरिटी, परिपक्वता के बाद ग्रोथ नहीं होती है ना। अब आपकी हाइट बढ़ गई, जिंदगी भर बढ़ती रहती, तो फिर तो आप कहीं रुकते ही नहीं। तो ग्रोथ शारीरिक एस्पेक्ट से संबंधित है ज्यादातर, और एक समय के बाद रुक जाती है, तो ये बात तो गलत हो गई। ग्रोथ कांट बी टेकन प्लेस विदाउट डेवलपमेंट, यानी वृद्धि हो ही नहीं सकती विकास के बिना। देखो आपको ये बात पता है, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कई लोगों को, आपको ये बात पता है कि विकास का ही एक हिस्सा है वृद्धि, मतलब जो चीज वृद्धि है वो विकास तो होगा, ऐसा हम मान लेते हैं ना, क्योंकि वृद्धि जो है विकास का एक हिस्सा है। लेकिन बात हो रही है ग्रोथ कांट बी टेकन प्लेस विदाउट डेवलपमेंट, यानी विकास के बिना वृद्धि नहीं हो सकती, ये कहना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि जो भी चीज वृद्धि है, मतलब जरूरी नहीं है कि वृद्धि है तो विकास हुआ ही होगा, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा ना। ऐसा हम नहीं कह सकते ना कि आपकी हाइट बढ़ गई, अगर आप 6 फीट के हो गए तो आपकी बुद्धि, आपका सामाजिक विकास सब एकदम प्रॉपर डेवलपमेंट ही हुआ है, जरूरी नहीं है। तो इस केस में ये बात गलत पड़ जाती है, ये पूरे तरीके से सही नहीं है, ये अधूरी सच्चाई है एक तरीके से, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो ठीक। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रोथ बिना डेवलपमेंट के नहीं हो सकती, भाई हो सकता है एक पार्ट आपकी बॉडी का या आप कुछ हिस्से ग्रो हो जाएं, बट डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट में और भी एस्पेक्ट हैं। सिर्फ शारीरिक वृद्धि वृद्धि कहलाती है, बट अगर बाकी चीजें नहीं हुई, अगेन समझो इस बात को, कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन बन सकता है। मैं कहती हूं कि कोई एडुकेटम की बात कर रहा है, एडुकेटम होता है टू ट्रेनिंग और टू टीच, प्रोसेस को एडुकेटम कह रहे हैं। देखिए उसमें विवाद रहता है कई लोगों का, हमारी बात चल रही थी किसकी, देखो ये मान लिया हमने कि एक बड़ा सा सर्कल है जो डेवलपमेंट है, इसके अंदर एक छोटा सर्कल है ग्रोथ, और साथ में मैच्योरिटी भी हो सकता है, ठीक। जो इसके अंदर हुआ, जो इसमें है वो इस बड़े गोले का एक भाग होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समझने का एक तरीका है, ये एग्जैक्ट मैथ्स नहीं है कि आपने ये मान लिया कि जो इसमें है वो उसी में होगा। अगर मैं बात करूं ग्रोथ की, मान लीजिए आप शारीरिक रूप से तो बढ़ गए, फिजिकल एस्पेक्ट में ही होती है ना ये, शारीरिक रूप से या फिजिकल एस्पेक्ट में आप बढ़ गए, यानी ग्रोथ हो गई, आप साइज और शेप में बढ़ गए, ठीक है, मान लिया ग्रोथ हो गई, क्या ये डेवलपमेंट है? सारा ग्रोथ डेवलपमेंट है? भाई डेवलपमेंट होने के लिए और भी तो एस्पेक्ट्स में होना जरूरी था, जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, चारों एस्पेक्ट में होना जरूरी था। तो जरूरी नहीं है कि बिना डेवलपमेंट के ग्रोथ नहीं हो सकती, ठीक है बात, जरूरी नहीं है। वृद्धि हिस्सा है विकास का, लेकिन यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर एक वृद्धि का हिस्सा विकास ही हो या विकास में ही परिवर्तित हो जाए। एक बार को हम इसे मौका दे भी देते अगर ऑप्शंस में हमें दिख भी रहा होता तो भी, ठीक। तो बेस्ट ऑप्शन तो ए और बी ही लग रहे हैं हमें, और ए और बी का एक साथ कॉम्बिनेशन भी दिखाई दे रहा है, सिर्फ ए हो नहीं सकता क्योंकि बी भी सही है, बी और सी हो सकते हैं तो फिर ए भी इंपॉर्टेंट है, ए बी डी हो सकता है,
भाई बी तो बिल्कुल सही है, सी को कैसे गलत कहोगे? तो इस केस में मतलब डी तो बिल्कुल ही गलत है, तो सी एक बार को सही मानते हैं, उसके लिए ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो ये कई बार लॉजिक भी लगाना होता है आपको। क्लियर आंसर इसका क्या है? बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। टू कॉन्क्रेटाइज द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन अ स्लो लर्नर्स क्लासरूम द बेस्ट मेथड फॉर अ टीचर इज, यानी कि धीमी गति से सीखने वाले छात्रों की श्रेणी में या कक्षा में, जो धीमी गति से सीखने वाले स्लो लर्नर बच्चे हैं उनकी कक्षा में आपको चीजों को क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को, ऐसे कॉन्सेप्ट जो अमूर्त हैं, जो आइडियाज में हैं, जिनको टच फील नहीं किया जा सकता, उनको कॉन्क्रेटाइज करना है। कॉन्क्रेटाइज का मतलब क्या है? उनको मूर्त रूप देना है। मतलब मुश्किल टॉपिक भी ऐसे समझाने हैं कि वो चीजों को देख के, टच करके, फील करके समझ पाए, मूर्त रूप में उसको अपने दिमाग में बसा पाए। क्यों? क्योंकि स्लो लर्नर का मतलब है उसकी बुद्धि बहुत तेज नहीं चलती, उसको धीमे समझ में आता है। तो धीमे समझाने वाले के लिए आपका मेथड ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को, मान लीजिए आपने सिर्फ डेफिनेशन बता दी, अब जिसका दिमाग तेज है उसने तो समझ लिया, जो धीमे सीखता है उसके सर के ऊपर से निकल गया। लेकिन अगर आपने डेफिनेशन के साथ साथ कुछ दिखा भी दिया होता, कुछ डिमॉन्स्ट्रेट भी कर दिया होता, तो स्लो लर्नर को भी मूर्त हो जाती वो चीज, उसके दिमाग में कॉन्क्रेटाइज हो जाती। अगर आपने लैंग्वेज समझ ली ना क्वेश्चन की, आधी जंग जीत गए आप वहीं, ठीक है। तो लेक्चर मेथड, यार जो पहले से स्लो लर्नर है उसको सिर्फ व्याख्या करके अगर आप बता दोगे तो ये तो पहले से ही चाइल्ड सेंटर्ड मेथड नहीं कहलाता लेक्चर मेथड। तो डिस्कशन मेथड, अगर वो इतना इंटेलिजेंट बच्चा है तो बहुत अच्छी बात होती ना। स्लो लर्नर को आप डिस्कशन में डालोगे, मे बी इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास हो होम असाइनमेंट मेथड। मतलब समझ में किसी को क्लास में नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं घर से करके ले आना, अजीब बात हो गई। फिर है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ये एक बार को ठीक था थोड़ा सा, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन है। जब बेटर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है तो हम बेस्ट के साथ जाते हैं, क्योंकि एक नंबर हमें बेस्ट ऑप्शन दिलाएगा, है ना। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यानी प्रदर्शन विधि या पद्धति। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, साइंस में भी होता है और भी कई जगह पे होता है, रोहित सिंह धन्यवाद। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है जहां आप प्रदर्शन करके दिखाएं, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएं। जैसे बचपन में आपने देखा होगा कि आपको वो जो सोलर सिस्टम होता है ना, उसका पूरा एक मॉडल तैयार करके लाए टीचर। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है वो इसीलिए तो होता है कि आप मूर्त रूप दे सकें, आप बच्चे को दिखा सकें, सिर्फ भाषा से ना बताएं, उसको दिखाएं भी, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएं। जैसे कि मान लीजिए वो हवा का कॉन्सेप्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, दबाव और हवा के लिए, एयर प्रेशर के लिए बलून ले जाते हैं कई लोग और फिर उसको फोड़ के भी दिखाते हैं, ठीक। ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, प्रदर्शन किया आपने बच्चे के सामने। अब जब वो अपनी आंखों से देखेगा तो भूल थोड़ी सकता है, वो परिभाषा भूल सकता था लेकिन जब देख लिया उसने तो उसके दिमाग में मूर्त अनुभव बन गया। मूर्त मतलब जिन चीजों को हम टच और फील कर सकते हैं, ठीक है बात। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड बेस्ट रहेगा स्लो लर्नर के लिए जो धीमी गति से सीखता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने आपने चीजें दिखा दी। फॉर एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन विधि की यदि हम बात करें, मैंने मेथड्स बहुत पहले डिस्कस किए हुए हैं, सर्च करके पढ़ लेना एक बार, ठीक, यहीं यूट्यूब पर ही। मान लीजिए बच्चे बैठे हुए हैं, यहां टीचर है, डिमॉन्स्ट्रेट किया है कुछ, या तो कोई मॉडल है, 3D मॉडल्स भी ले जाते हैं आजकल तो आप एक कंप्यूटर पे या फिर आपके जो स्मार्ट बोर्ड्स हैं उन पे भी दिखा सकते हैं, ठीक। मान लीजिए कोई वीडियो दिखा सकते हैं, जैसे हम पैवलव पढ़ते हैं तो पैवलव के कुत्ते की एक वीडियो मैं आपको दिखा दूं जिसमें लार टपक रही है, वो स्लाइवा उसके अंदर मतलब जो ट्यूब में वो कलेक्ट कर रहा है, तो ज्यादा आसानी से याद रहेगा बजाय कि सिर्फ बोल के बताऊं, जबकि आप तो बड़े बच्चे हैं, हम सब बच्चे हैं, बड़े हों चाहे छोटे, ठीक। तो इस केस में डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड मतलब प्रदर्शन किया जाए, दिखाया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे लैब्स में होता है, स्पेशली कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई एक टीचर है या जो भी करने वाले व्यक्ति हैं, बाकी सब देख रहे हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं कि पहले तुम देख लो फिर इसको खुद से करना, डिमॉन्स्ट्रेशन। देवगढ़ से हैं आप, बहुत बढ़िया। एक और एग्जाम्पल इसका हो सकता है, आपने मूवीज तो बहुत ही देखी है हम सब ने, है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक डमी टाइप्स है, जैसे डॉक्टर्स को डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाता है, या बायोलॉजी अगर आपने कभी पढ़ी हो तो पहले जमाने में तो 10th में वो मेंढक वेंढक को पूरा स्टिच करना सिखा देते, तो पहले टीचर खुद करके दिखाएगा फिर आप करेंगे, मतलब जब वो करके दिखाए या फिर शो करे वो डिमॉन्स्ट्रेशन है, ठीक। तो यहाँ पे सांस दिलाने के लिए वो प्रेस करके दिखा रहे हैं एक डमी को, इंसान को नहीं, ठीक। तो ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े।
होपफुली अब आप ना भूलें कभी, मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से ही सिखा दिया है ताकि आपके दिमाग में चीज़ें रह जाएं। हाँ, हार्ट अटैक आते समय या जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हेन अ प्रॉब्लम हैज मोर देन, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन अ प्रॉब्लम हैज मोर देन वन प्रोबेबल सॉल्यूशन, यानी जब एक समस्या का एक से अधिक संभाव्य समाधान हो, यानी कोई प्रॉब्लम है और उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस आपके सामने प्रस्तुत हैं। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा हो, दिमाग में जा रही हो चीजें, तो यहाँ पे लाइक शेयर जरूर करना, उससे क्या होगा, मोटिवेशन इंक्रीज होती है देखने वालों की भी, और मेरी तो खैर बैलेंस ही रहती है बट थोड़ी बहुत तो बेहतर होती ही है। ठीक, तो व्हेन अ प्रॉब्लम हैज मोर देन वन प्रोबेबल सॉल्यूशन एंड द थिंकिंग प्रोसेस विच क्रिएट दोज प्रोबेबल सॉल्यूशन, यानी कि जब एक समस्या के कई समाधान अवेलेबल है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबल सॉल्यूशन है, संभाव्य समाधान है, एंड द थिंकिंग प्रोसेस, और जो चिंतन प्रक्रिया है विच क्रिएट्स दोज प्रोबेबल सॉल्यूशन, जिस चिंतन प्रक्रिया के द्वारा ये जो प्रोबेबल सॉल्यूशंस क्रिएट किए जा रहे हैं एक समस्या के लिए, उस चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तोड़ तोड़ के अगर आप समझ लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। पहला ऑप्शन है कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी अभिसारी चिंतन, दूसरा ऑप्शन है डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन, थर्ड इज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी प्रतिफलक चिंतन, एंड द लास्ट वन इज क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक चिंतन। तो जवाब देने का कष्ट करें, आपको उपहार में मिलेंगे पूरे 5 रुपए, वो वर्चुअल होंगे। बी को लॉक करें यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब जिस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया है उस हिसाब से तो आपको समझ आ ही गया होगा, आपको मुझे लग रहा है 30 सेकंड देने पड़ेंगे क्वेश्चन खुद सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैं जिस हिसाब से एक्सप्लेन करती हूँ उसके बाद भी अगर सही ना हो तो क्या फायदा। व्हेन अ प्रॉब्लम, देख रहे हो खुद की तारीफ, नार्सिसिज्म का नेक्स्ट लेवल। खैर मैं ये सच भी कह रही थी। ठीक, व्हेन अ प्रॉब्लम हैज मोर देन वन प्रोबेबल सॉल्यूशन, भाई एक से ज्यादा, एक प्रॉब्लम है उसके एक से ज्यादा सही सॉल्यूशन अवेलेबल है या संभाव्य सॉल्यूशन अवेलेबल है, जिस थिंकिंग प्रक्रिया के द्वारा, जिस थॉट प्रोसेस के द्वारा ये मल्टीपल सॉल्यूशन अवेलेबल हैं उसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग में आप मल्टीपल सॉल्यूशन सोचते हैं, दिशाओं में सोचते हैं, एक से ज्यादा रास्ते तलाशते हैं किसी समस्या के समाधान के। डाइवर्ज का मतलब ये है अलग अलग दिशाओं में, ओपन एंडेड थिंकिंग एक तरह से। ठीक है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग से ही जुड़ी हुई है क्रिएटिविटी। हर डाइवर्जेंट थिंकर क्रिएटिव होगा ये कहना गलत है, बट जो क्रिएटिव थिंकर है वो डाइवर्जेंट 100% होगा। ठीक है, बात देखिए, नोटिफिकेशन लेट क्यों आता है, 9:30 शुरू करते हैं हम लोग, और जल्दी कर देंगे आप लोग कहेंगे तो। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन, दिशाओं में सोचना, मल्टीपल सॉल्यूशन सोचना। कन्वर्जेंट थिंकिंग है, जैसे ये क्वेश्चन है ये कन्वर्जेंट थिंकिंग लगेगी इसमें, कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, दिशाओं में सोच करके क्या करोगे, आपको तो दिशाओं से एक ऑप्शन पे आना है, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग लगेगी। रिफ्लेक्टिव है, प्रकाश डालते हो आप अलग अलग पक्ष पर। क्रिटिकल है, आप फैक्ट्स भी उसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो, किसी भी चीज को उसके नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज को देखते हो। ठीक, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट को हमने समझ लिया, अभिसारी और अपसारी, इस पे भी एक छोटा सा सेशन कर देंगे किसी दिन। मल्टीपल, डाइवर्जेंट का मतलब है मल्टीपल सॉल्यूशंस या मल्टीपल वेज टू थिंक, कई रास्तों में सोचना, फैलता हुआ। कन्वर्जेंट है मल्टीपल वेज से वन पॉइंटेड आना, टू कम टू अ पॉइंट, ये कह सकते हैं। समझे कि नहीं? 9 बजे स्टार्ट कर लीजिए मैम प्लीज। मधुस्मिता, मेरी एक और क्लास होती है, चलो मैं कोशिश करती हूँ, मैं देखती हूँ, कुछ ना कुछ प्लान करके कर लेंगे, एटलीस्ट ये वाले 3 दिन तो 9 बजे ले आएंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको सेशन के नंबर को कम किया, ताकि बहुत ज्यादा बर्डन मैं फील ना करूं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रूबी हैज हियरिंग क्वेश्चन के नंबर का मतलब है सेशन, 3 सेशन होंगे सिर्फ प्रैक्टिस के वीक में। रूबी हैज हियरिंग इंपेयरमेंट एंड ऑल द स्टूडेंट्स इन हर स्कूल हैव मैनी सच डिफिकल्टीज एंड डिसेबिलिटीज, व्हाट डू यू कॉल सच स्कूल्स। यानी रूबी एक बच्ची है जिसको हियरिंग इंपेयरमेंट है, यानी सुनने में श्रवण दोष है एक तरीके से, और उसके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं रूबी के, उनको कुछ ना कुछ समस्या है, कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है। एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, कुछ एक दो आसान फिर मुश्किल, इस तरीके से।
देखिए एक बार, कल फ्राइडे है ना, तो सीटेट की प्रिपरेशन के लिए वीडियो आ जाएगा कल, टेंशन मत लो। देखो एक बार आंसर क्या होगा भाई, प्राइवेट स्कूल्स का ऐसा थोड़ी कि वहां पे सिर्फ ऐसे ही बच्चे होंगे जिनको देखने में प्रॉब्लम है या सुनने में प्रॉब्लम है, ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स भी इंक्लूसिव हो सकते हैं, लेकिन ऐसे ही बच्चे होंगे दिस इज रॉन्ग। इंक्लूसिव स्कूल वो है जहां हर तरह का बच्चा इंक्लूडेड है, समावेशन है हर तरह के बच्चे का, चाहे वो गिफ्टेड हो, नॉर्मल हो, एवरेज हो, डिसेबल्ड हो, कोई भी हो। तो ये भी नहीं है क्योंकि इसमें तो सिर्फ डिसेबल्ड बच्चे पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स स्पेशल नीड वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या है ये, स्पेशल स्कूल्स कहलाएंगे, क्यों? क्योंकि स्पेशल नीड वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे कोई हियरिंग इंपेयरमेंट। गवर्नमेंट स्कूल्स में तो सब तरह के बच्चे पढ़ सकते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, स्पेशल स्कूल्स। स्पेशल स्कूल्स वो होते हैं जहां स्पेशल नीड वाली जो कैटेगरी है, जिसको CWSN कैटेगरी कहते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, वो बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ वही। वैसे तो हम इंक्लूसिव की बात करते हैं, बट सिर्फ वही जहां पे किसी को हियरिंग इंपेयरमेंट है, किसी को और कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, इनको स्पेशल स्कूल्स कहते हैं। जैसे ब्लाइंड, आई थिंक ब्लाइंड के लिए स्कूल है, जो विजुअली चैलेंज बच्चे हैं उनके लिए देहरादून में आई थिंक एक स्कूल है, ठीक। तो इस तरह के स्पेशल स्कूल होते हैं जहां सिर्फ डिसेबल्ड बच्चों के लिए डिस्कशन है। या डिफरेंटली एबल्ड इज अ गुड वर्ड, बोलते हुए अजीब लगता है, मतलब डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड इज अ गुड वर्ड, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द एम ऑफ एजुकेशन इज एन एलिमेंट अंडर डैश, मतलब क्या हुआ इसका बताइए, मतलब किसी को 5 रुपए भी चाहिए होंगे, जिन जनों ने सही आंसर दिया हो वो अपने 5 रुपीज यहां से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक बार आंसर कीजिए, द एम ऑफ एजुकेशन इज एन एलिमेंट अंडर, यानी शिक्षा का क्या उद्देश्य हो, यह किस तत्व के अधीन होगा, यानी किसके अंडर आएगा, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंडर आएगा, कि लक्ष्य क्या हो, किस लिए पढ़ रहे हैं। अब कई लोग कहेंगे उसके लिए, नौकरी के लिए, ये तो पहली सीढ़ी है ना कि पेट भरने के लिए पढ़ रहे हैं, शिक्षा तो उससे बहुत ऊपर है ना कहीं। फिर है एजुकेशनल सोशियोलॉजी में आएगी ये बात कि लक्ष्य क्या है, एजुकेशनल टर्मिनोलॉजी में आएगी या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी में आएगी। अब मुझे पता है कई लोग गलतियां कर रहे हैं, सोशियोलॉजी तो चलो समाज की बात करता है, टर्मिनोलॉजी मतलब शब्दावली ही हो तो ये भी कोई पॉइंट नहीं है, ये दोनों तो आपने हटा दिए होंगे। अब कई लोग इसका भी आंसर कर रहे होंगे और इसका भी आंसर कर रहे होंगे, एम आई राइट? जी देखिए एक बार, एजुकेशनल साइकोलॉजी ये कहता है कि साइकोलॉजी को एजुकेशन में किस तरह यूज करें ताकि इफेक्टिवली बच्चे को सिखा पाए, यानी मनोविज्ञान को शिक्षा में कैसे प्रयोग करें कि बच्चा इफेक्टिवली सीख पाए, मन से सीख पाए, ज्यादा अच्छे से सीख पाए, एजुकेशन को और अच्छा बना पाए। लेकिन उद्देश्य क्या है शिक्षा का, क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या उद्देश्य है, कैसे करें, मतलब ये जितने भी हाउ वाई व्हाट इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो फिलॉसफी में आते हैं, ये शैक्षिक दर्शन शास्त्र में आ रहे हैं कि क्यों पढ़े आखिर, उद्देश्य क्या है, किस परम उद्देश्य के लिए पढ़े, ये फिलॉसफी का हिस्सा है। इस तरह के सवाल समझ पा रहे हो ना बात को, भावनाएं समझो, ये पूछा हुआ है D++B में, अच्छे क्वेश्चन ही आ रहे हैं आपके सामने, हल्के में मत लेना किसी भी क्वेश्चन को। देखो एक बार, हालांकि कुछ क्वेश्चन मैं अपने आप ही हल्के डाल दूंगी ताकि आपको लगे कि एक दो क्वेश्चन आते हैं आपको, मजाक कर रही हूं खैर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये आसान क्वेश्चन है, अभी भयंकर क्वेश्चन बाकी हैं आगे। द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ADHD, ADHD का विस्तारित रूप, ये बहुत आसान क्वेश्चन है बट रिपीटेडली पूछा जाता है, तो पेपर में सिर्फ मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते कि हम सिर्फ मुश्किल क्वेश्चन ही करें, समझ रहे हो ना बात, पेपर में मॉडरेट भी आएंगे, इजी भी आएंगे और डिफिकल्ट भी आएंगे, डिफिकल्ट बल्कि कम आते हैं कंपैरेटिवली। कोई कह रहा है इतनी रात को कौन पढ़ाता है, कल से जल्दी करेंगे, चलो टाइम 9 बजे का कर लेंगे, और बताओ 9 बजे का करते हैं भाई टाइम अपना वापस से, 9:30 थोड़ा ठीक रहता है, मैं बीच में खाना भी खाने का मौका मिल जाता है मुझे, 8:15 एक और क्लास खत्म होती है, ठीक है 9 बजे करेंगे कल से। देखिए, द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ADHD इज सिंपल, व्हाट इज, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जिन्होंने ये जल्दीबाजी में पढ़ेंगे पेपर में तो एक नंबर ऐसे ही चला जाएगा, ये देखो कितना सही है, कितना क्लोज है, अटेंशन की जगह ऑटो लिख दिया और आपको लगेगा सब सही है, ऑटिज्म लिख दिया जो कि गलत है। ADHD का ए का मतलब है अटेंशन, यानी अवधान में कमी, बच्चा अटेंशन डेफिसिट मतलब कमी है अटेंशन में, कम कर पाता है अटेंशन। हाइपर एक्टिविटी मतलब जरूरत से ज्यादा एक्टिव है, उछलता कूदता रहता है, एक जगह ध्यान लगता ही नहीं है क्लास में, टीचर पढ़ाना शुरू करती है ऐसे बच्चे 2 मिनट भी इनका ध्यान एक जगह टिकता नहीं है। फिर है डिसऑर्डर, यानी एक तरह की समस्या है, सिंपल बात है। तो ADHD एक ऐसी समस्या है जिसमें बच्चे की जो अटेंशन है वो एक जगह टिक
देख करके रुक नहीं पाती। उछल कूद या क्वेश्चन या बीच में बोलना या कई सारी, ये बच्चे शांति से बैठ नहीं पाते एक जगह टिक करके। इनके तरीके हो सकते हैं इनको डील करने के, कि आप पॉजिटिवली इनको समझाएं, धीरे धीरे छोटे छोटे टास्क दें, फिर धीरे धीरे उसका टाइम पीरियड बढ़ाएं, इंटरेस्टिंग वे में कुछ ऐसे क्या कहें उनको टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स का यूज करें जो इंटरेस्टिंग हो, ठीक, और अच्छे से इंस्ट्रक्ट करें इनको ताकि क्लियरली आपकी बात समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल इसके लक्षण हो सकते हैं कुछ ADHD वाले बच्चे के, जैसे इजीली डिस्ट्रैक्टेड। ये डिस्ट्रैक्शन कई लोगों को, ये आजकल वैसे भी कॉमन है बहुत लोगों में कि डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है, तो दो मिनट पढ़ने बैठेंगे और कहीं का कहीं पहुंच जाएंगे, ओवरथिंकिंग। हाइपर टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बीच में बोलने ही नहीं दे रहे किसी को, जबरदस्ती बोल बोल के आ रहे हैं। अपीयर्स विदड्रॉन, मतलब अपनी ही दुनिया में खो गए, बात चल रही है कुछ और, डिस्कशन चल रहा है कुछ और, गायब हो गए दिमाग में। एग्जेजरेटेड इमोशनल रिस्पॉन्स, कई बार बेवजह ही बहुत ज्यादा एग्जेजरेशन किसी एक इमोशन का, ठीक। कोई कह रहा है 9:30 ही ठीक है, घर पर खाना बनाना होता है। चलो मैं कल एक पोल दूंगी दिन में, जो आप लोग कहोगे वो कर देंगे। फॉरगेटफुल, कई बार चीजें भूल भी जाते हैं। तो ये ADHD वाले बच्चे के लक्षण हैं, इनको इंप्रूव करने का वही तरीका है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो टास्क को, पॉजिटिवली इनको इंस्ट्रक्ट करो, ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाओ, धीरे धीरे अटेंशन बढ़ाओ, एक्टिविटी करा सकते हो ऐसे बच्चों से। तो ये एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक बच्चा है छोटा है 5वीं तक का, उछलता कूदता रहता है बहुत ज्यादा, क्लास में टिक के बैठ ही नहीं पाता। देखो 3-4 साल तक का बच्चा ऐसे करे तो ठीक है, 5 साल के बाद भी करे तो दिक्कत है, फिर ADHD का शिकार हो सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IEP? अच्छा क्वेश्चन, लगभग हर पेपर में आता है आजकल IEP के बारे में। फुल फॉर्म बताइए IEP की। एक क्वेश्चन से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। कोई कह रहा है हमारा अटेंशन नहीं टिक पाती, मेडिटेशन कीजिए, या थोड़ी देर फोन वोन रख करके छत पे बैठिए जाकर के, अगर नहीं कुछ और करना तो सुबह शाम या रात को या जब भी पॉसिबल हो, बिना कुछ करने के, मतलब बिना कुछ किए शांति से टिक के बैठना सीखिए। 10 मिनट 15 मिनट से शुरू करोगे, धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो बहुत डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया है, ऐसा फील करना स्वाभाविक है। समझ पा रहे हो ना बात को? एक बार इस क्वेश्चन का आंसर करो, इसके बाद खतरनाक क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, जो जो सही करेगा उसको फिर से 1 रुपया मिलेगा। आप पढ़ लो शुभी, बस ये है कि आपको एक जगह मिल जाएंगी सारी चीजें रिवाइज्ड फॉर्म में। बहुत बढ़िया सौरभ सिंह, चलिए चलिए चलिए, लाजवाब, अच्छा धन्यवाद। सेशन की बात हो रही ना, आप बुलबुल देखो कितने कह रहे हैं करने दो 9 PM, वैसे भी 9:30 कर देंगी मैम, हैं डेली आ जाती हूँ टाइम पे, 5 मिनट से ज्यादा लेट नहीं हो रहा आजकल, मजाक उड़ा रहे हो हैं। देखो एक बार, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IEP? सिंपल आंसर है इसका, तो बच्चे जैसा क्वेश्चन है, बट अच्छा इंपॉर्टेंट है, इससे जानने को मिलेगा आपको। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, बात तो ठीक है, इंस्ट्रक्शनल एजुकेशनल प्लान। अगर आपने हवा हवा में पेपर से एक दिन पहले मैराथन देख के गए हो तो ऐसे ही होगा फिर पेपर में, क्योंकि जरा जरा सी मिस्टेक होंगी आपका दिमाग घूम जाएगा, ठीक, क्योंकि डेटा इतना सारा एक दिन में थोड़ी एब्जॉर्ब कर पाओगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट वैसे ही नया है, तो ए ऑप्शन बेस्ट है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, यानी व्यक्तिगत शैक्षिक योजना। इसका मतलब क्या है? एक तो ये बात याद रखिएगा, ये किन बच्चों के लिए तैयार किए जाते हैं, जिन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की नीड होती है, जो बच्चे स्पेशल एजुकेशन पाने के लिए एलिजिबल होते हैं, कि उनको विशेष शिक्षा की जरूरत है, विशेष ध्यान की जरूरत है किसी भी वजह से, तो उनके लिए ये प्लान जो है प्रिपेयर किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स, टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स और साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, या जो भी, अगर वो किसी भी एक डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो उस केस में, मतलब किस तरह की कोई समस्या है तो उनको भी बिठाया जाएगा, और भी जो स्कूल के मेंबर्स होंगे हाई लेवल पर उनको भी बिठाया जाएगा, और एक प्रॉपर पूरे साल का प्लान डिवाइस किया जाएगा कि इस सब्जेक्ट में इसको ऐसे सिखाना है, ये उद्देश्य रहेंगे, इस महीने में ये होगा, एक पूरा प्लान तैयार किया जाएगा। और स्पेशल एजुकेशन की जिन बच्चों को नीड होती है उन सभी बच्चों के लिए इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान तैयार किया जाएगा, यानी अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग उसकी नीड को समझते हुए, ठीक है। 3500 लोग देख रहे हैं, 2500 लोगों ने लाइक किया। अगर आप सच में सीरियस होकर पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, भूल जाइए, नहीं भी करेंगे लाइक कोई दिक्कत पड़ेगी नहीं। सही बात है कमलेश वर्मा, कल मैं एक पोल दूंगी। तो इतनी बात क्लियर है, इसकी और कुछ विशेषताएं हैं जो आप जान सकते हैं, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है। IEP की अगर हम बात करें तो बच्चे को इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि उसी की तो नीड्स समझनी है,
पेरेंट्स को इसमें शामिल किया जाएगा प्लान बनाते समय, क्योंकि तभी तो आप प्लान बना पाएंगे बेहतर तरीके से जब आपके पास बच्चे के बारे में सारा डेटा होगा। जो रेगुलर स्कूल का टीचर है, जो स्पेशल एजुकेशन का टीचर है, स्कूल के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो प्रधानाध्यापक हों या कोई भी इस तरीके के स्पेशल, आजकल तो गाइडेंस एंड काउंसलर्स भी हैं, उनको आप इन्वॉल्व कर सकते हो। जो भी रिजल्ट्स वगैरह आए हैं या एक्सपर्टीज कोई एक अलग फील्ड का बंदा है उसको ला सकते हो, और एक अलग प्लान ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसे बच्चों के लिए जिनको स्पेशल एजुकेशन की नीड है उनके लिए बना सकते हो, ये बेस्ट रहते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अपने एक रुपए के इनाम के लिए तैयार हो जाइए। पढ़िए ये क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो, माइक गया मेरा, लॉकडाउन में मिलेगा भी नहीं अगर टूट गया तो। देखिए जी जल्दी से देखिए, आवाज आ रही है या गई आवाज, बताओ फटाफट से बताओ। कोई कह रहा है गुड न्यूज, हाँ माइक टूट गया। ऐसे ऐसे महान लोग हैं कि इनका कोई इलाज नहीं है। अच्छा धन्यवाद सपना कन्नौजिया, राहुल सैदपुर, अच्छा ठीक है आप मीटअप में भी आए थे। चलिए बताइए फटाफट से, इन अ क्लासरूम टीचर शुड गेन प्रिलिमिनरी अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स टू इम्पैक्ट अ लेसन इफेक्टिवली, इन दिस केस विच ऑफ द लॉज ऑफ लर्निंग इज अप्लाइड। यानी कि एक क्लासरूम में, कक्षा में शिक्षक पाठदान सफलतापूर्वक संपादन करने के लिए छात्र छात्राओं को प्रारंभिक ध्यान आकर्षित करना चाहिए, यानी टीचर को पढ़ाने के लिए शुरुआत में प्रीलिमिनरी जो अटेंशन है वो गेन कर लेनी चाहिए, बच्चे का जो ध्यान है उसको अपनी तरफ खींचना चाहिए, जिससे कि आगे इफेक्टिवली लेसन को इम्पार्ट किया जा सके। भाषा में ही सब कुछ छिपा हुआ है। लॉ ऑफ एक्साइज आप हटा देंगे, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस आपने हटा दिया होगा, इन दो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन रही होगी और रही होनी चाहिए। जो लोग सी कह रहे हैं वो गलत हैं। रीजन क्या है उसका? देखो प्रभाव का नियम तब लागू होता है जब आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा उसको आप दोहराएंगे या नहीं दोहराएंगे तब प्रभाव लागू होता है। यहां बात हो रही है शुरुआत में ही लेसन इंपार्ट करने से पहले आपको अटेंशन गेन करनी है, शुरुआती ही अटेंशन गेन करनी है, उसको लॉ ऑफ रेडनेस कहते हैं, कि आपको बच्चे को तैयार फील कराना है, उसको रेडी फील कराना है, तत्पर फील कराना है, उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना, चाहे कोई स्टोरी सुना करके, चाहे कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करा करके, ताकि आप लेसन पढ़ाने से पहले उसका ध्यान आकर्षित कर सकें, और कैसे हो या कुछ भी थोड़ी बातचीत करके फिर आप आगे पढ़ा सकें। कोई कह रहा है एक रुपया दे दो, ठीक है ले जाओ लो, ठीक गिफ्ट देंगे, पेपर निकाल करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, रिवॉर्ड देंगे आपको। ठीक है क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बहुत छोटा सा अंतर है। लॉ ऑफ इफेक्ट में अंतर क्या है? लॉ ऑफ इफेक्ट, एक एक्सपीरियंस अगर आपका अच्छा रहा तो आप उसको दोबारा करेंगे, दिस इज लॉ ऑफ इफेक्ट। समझ पा रहे हो बात को? आगे बढ़ेंगे। तीन प्राइमरी लॉज दिए हैं वैसे थॉर्नडाइक ने, तीन प्राथमिक नियम, सिर्फ 16 क्वेश्चंस हैं, अभी 6 क्वेश्चन और हैं। तीन प्राथमिक नियम आपको पता होने चाहिए, लॉ ऑफ रेडीनेस के बच्चा तैयार है सीखने के लिए के नहीं, ठीक पता चल रहा है बैंड बाजा बज रहा है बाहर जहां पढ़ा रहे हैं, कहां से तैयार होगा, ठीक। लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा होगी उतनी बेहतर लर्निंग होगी, जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को यूज़ करोगे, इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, प्रयोग का और बिना प्रयोग का, या अप्रयोग अनुप्रयोग व्हाट एवर इट इज, सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी अगर किसी चीज़ पर, ये मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है, इसी को इसी पे काम किया बाद में किसने, स्किनर ने, और अपनी रीइन्फोर्समेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया। लॉ ऑफ इफेक्ट यानी अगर आपको कोई एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा, आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपको खाना अच्छा लगा, वहाँ का माहौल अच्छा लगा, तो आप अगली बार जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अगर आपको किसी टीचर की क्लास अच्छी लगी तब तो आप दोबारा जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। पहले रेडीनेस है कि आप तैयार करें बच्चे को। हाँ टेट लाइफ टाइम हो गया, इस पर चर्चा हम कल सुबह करेंगे ताकि आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल सके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एज अ लीडर द टीचर मस्ट ट्राई वॉट। भाई टीचर का जो एक रोल है वो लीडर के रूप में भी है, गाइडेंस के गाइड के रूप में भी है, फिलोसोफर एंड फ्रेंड के रूप में भी है, फैसिलिटेटर के रूप में भी है। बताइए फटाफट से बताइए, आंसर कीजिए। योर एनर्जी इज बैक अगेन, हाँ बिल्कुल तेजस्विनी, और जितनी एनर्जी है उसी हिसाब से मैंने सेशंस भी रखे हैं फिर। जी जी एन के शर्मा, चलिए अन अकेडमी पर नहीं हूँ मैं अभी, आई हैव लेफ्ट अन अकेडमी, बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था, मतलब
पिछले साल मैंने रोबोट की तरह ही काम किया है। देखो एक बार, क्योंकि ऑलरेडी मैं करियर विल पर हूँ तो, और यूट्यूब पर भी हूँ, तो उस केस में पॉसिबल नहीं हो पाता इतना लोड। देखो कोई एक जगह तो छोड़नी ही थी। बी ऑप्शन, अथॉरिटेटिव तो हो ही नहीं सकता। अथॉरिटेटिव का मतलब है डंडा ले लिया टीचर ने और अब सत्ताधारी हो गए हैं, मतलब डराएंगे। अटेन पावर एंड सुप्रीमेसी ओवर अदर्स, अगेन आपको डोमिनेट थोड़ी करना है बच्चे को। अटेन डिक्टेटरशिप, मतलब हिटलर बन जाएंगे आप, जी नहीं। बी डायनामिक, यानी आप क्या होंगे, गतिशील या डाइवर्स होंगे, मतलब जहां जरूरत पड़ रही है आप उसको गाइड भी कर रहे हैं, जहां जरूरत पड़ रही है आप एक फ्रेंड की तरह भी बिहेव कर रहे हैं, जहां जरूरत पड़ रही है उसको आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं, कोई नैतिक शिक्षा की कहानी सुना रहे हैं, उसके साथ स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं। आपके जो रोल है वो फ्लेक्सिबल है, डायनामिक है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड देयर प्रोपाउंडर्स आर गिवन बिलो। देखिए एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम सीधा मंडे को ही होगी ये क्वेश्चन वाली क्लास, तो ध्यान से कर लो, बेशक टाइम लग जाए, कोई दुख तकलीफ हो तो कहना आप भूल गए। एनर्जी बीच में कम हो गई थी, मेरे इतने दुख तकलीफ बढ़ गई थी कि मैं आपसे पूछना भूल गई। अभी आ रही हूँ धीरे धीरे फॉर्म में वापस, तो मैं कहूँगी, है ना, एक फेज होता है हर चीज़ का। बताओ एक बार, ऊपर से लॉकडाउन नहीं खुलता और केसेस भी, मतलब ऑब्वियसली स्थिति बेहतर नहीं है, बताओ आंसर करो। देखिए थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस यानी एक तरफ दी हुई है, बुद्धि के सिद्धांत दिए हुए हैं एक तरफ, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, लेट्स लर्न पे कराए हुए हैं, थोड़ी पुरानी वीडियो होंगी बट चल जाएगा आपका काम, या मैराथन देख लीजिए, और एक तरफ है प्रोपाउंडर, ठीक। अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है, बताओगे आंख बंद करके, चलो खोल के बता दो। टू फैक्टर दी है स्पीयरमैन ने, जिन्होंने स्पेसिफिक और जनरल फैक्टर की बात की है, द्विकारक सिद्धांत बुद्धि का 1904-5 में दिया था। स्पेसिफिक का मतलब है विशिष्ट, एक विशिष्ट योग्यता होती है हर व्यक्ति में, जैसे मेरी टीचिंग हो सकती है, एक जनरल एबिलिटी होती है जो ओवरऑल आपके हर एक काम में नजर आती है। मल्टी फैक्टर थ्योरी को दिया है थॉर्नडाइक ने, ठीक, जिसमें सोशल कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट की बात की है, बट उस थ्योरी को मल्टी फैक्टर कहा जाता है क्योंकि हर एक इंटेलिजेंस में कई फैक्टर्स शामिल होते हैं। ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है इंटेलिजेंस की, थॉर्नडाइक को देख के चौंकिएगा मत नए लोग, थॉर्नडाइक ने लगभग सारे ही क्षेत्र में थ्योरी दी है, चाहे वो बुद्धि का सिद्धांत हो, चाहे वो लर्निंग की थ्योरी हो, चाहे वो कोई और इस तरीके की चीजें हो, एजुकेशनल साइकोलॉजी हो। ग्रुप फैक्टर थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसको दिया है थर्स्टन ने। थर्स्टन का PMA याद होगा ना आपको, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जिसमें सात हैं, उसको ग्रुप फैक्टर कहा जाता है, उसका दूसरा नाम। सैम्पलिंग थ्योरी है थॉमसन की, तो ये तो ऑटोमेटिक है, अगर आपको तीन पता होंगी तो फोर्थ तो आप लगा ही देंगे। अब देखो यहां पे ए का सेकंड होगा, अब ए का यहां फर्स्ट है, ये तो हट गया, ए का सेकंड तो तीन जगह पे है, फिर आगे जाएंगे। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी है, थॉर्नडाइक ने, यानी बी का फर्स्ट। बी का फर्स्ट कहां है, यहां भी बी का फर्स्ट नहीं है, यहां भी बी का फर्स्ट नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट ऑप्शन में डी में है, तो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई, टाइम भी तो सेव करना है पेपर में, आपको कोई वहां ज्ञानचंद थोड़ी बनना है कि आपको पूरा वहां थीसिस लिख के आनी है, आपको टाइम भी सेव करना है, तो जरूरत ही नहीं उससे आगे चेक करने की। और ये तो मैं इतना टाइम लगे आपको समझाने के लिए डिस्कस कर रही हूँ, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो गई होगी तो कुछ सेकंड्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नीड्स अकॉर्डिंग टू मैस्लोज थियोरी ऑफ मोटिवेशन, यानी आवश्यकताओं का पदानुक्रम जिसको दिया है अब्राहम मैस्लो ने। अगर हम बात करें तो कौन सा एक सीक्वेंस सही होगा, जनरली पांच आवश्यकताएं उन्होंने बताई हैं, और अगर पुराना 1937 से पहले का पूछ ले तो सात हो जाएंगी, वो जो हायरार्की है उसमें पहले सेवन थी, अब फाइव है। अगर मैं बात करूं तो आपको पता है सेफ्टी नीड तो पहले आ ही नहीं सकती, पहले तो शारीरिक आवश्यकताएं आएंगी, फिजियोलॉजिकल नीड्स आएंगी, जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जिनके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। फिर है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स कह देते हैं जिनको, मतलब जिनके बाद सेफ्टी नीड्स आती हैं, हाँ फिजियोलॉजिकल तो समझ आ रही है, सेफ्टी भी समझ आ रही है इसके बाद, फिर लव एंड बिलोंगिंग भी, फिर एस्टीम नीड्स, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दिस इज गुड, फिर भी चेक कर लेते हैं, फिर चेक क्या ही करोगे बट फिर भी देख लो। फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद लव कैसे आ जाएगा, पहले सेफ्टी भी तो चाहिए, जिंदा रहने के लिए मुलाकात की जरूरत बाद में पड़ेगी, पता चले उधर से गोलियां बरस रही हैं और आप सेफ नहीं हैं तो कोई प्यार व्यार याद नहीं आने वाला। फिर है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स,
फिर सीधा सेफ्टी, ये गलत है। सिर्फ बी ऑप्शन सही है, सिंपल आंसर है इसका, तो इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते, फैक्चुअल है ये तो, या तो आपको याद है या तो नहीं। और इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ आसान लग रहे हैं, जब पेपर में बैठेंगे और 100 क्वेश्चन आएंगे ना पेडागोजी के, या 30-40 क्वेश्चन आएंगे, उस केस में दिमाग कई बार ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देता है, आपको लगता है ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो सकता था। तो ये 5 नीड्स हैं पदानुक्रम में जो मैस्लो की हायरार्की है। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं, जो पानी, खाना, पानी, दाना, वॉमिथ, रेस्ट, ये सारी जिनको बेसिक नीड्स कहते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग नीड्स हैं, ये थियोरी हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ री एनफोर्समेंट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ, यानी बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन, लास्ट के लिए बचा के रखा था मैंने। कॉन्सेप्ट ऑफ री एनफोर्समेंट यानी सुदृढ़ीकरण या पुनर्बलन का जो सिद्धांत है, इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ, किस थियोरी का महत्वपूर्ण तत्व है, किस थियोरी का महत्वपूर्ण तत्व है, आंसर कर दीजिए। 10 रुपीज यहां मैं दे देती हूं अभी एडवांस में, जो भी सही आंसर करे ईमानदारी से ले लेना, कोई मना नहीं करेगा। कितने वाहियात पीजे मार रही हूं ना मैं आजकल, खैर कोई बात नहीं। देखो एक बार बताइए। सब अपनी मर्जी से आंसर दे रहे हैं, चलो आपके लिए आसान कर देती हूँ। क्लासिकल कंडीशनिंग में कहीं भी रीइंफोर्समेंट की बात होती नहीं है, वहाँ स्टिमुलस की रिस्पांस की बात हो रही है, गेस्टाल्ट थ्योरी में भी नहीं होती, ठीक। या तो ट्रायल एंड एरर यानी थॉर्नडाइक जी हैं, है ना, या फिर स्किनर हैं, ठीक। बताइए एक बार। देखो एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं इसके अलावा, जो रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट है वो दिया किसने है, या रिवॉर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, पनिशमेंट और रिवॉर्ड का, वो किसने दिया है। थोड़ा और आसान कर दिया मैंने क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक। कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट इज गिवन बाय थॉर्नडाइक ओनली, या रिवॉर्ड और पनिशमेंट की सबसे पहले बात जिसने की वो थॉर्नडाइक है, लेकिन इसको प्रॉपर अपनी थियोरी में यूज करना और बिल्ड करना प्रॉपर फॉर्म में, वो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग का। स्किनर कह रहे हैं, हालांकि ये थॉर्नडाइक से ही प्रभावित है, उनके लॉ ऑफ इफेक्ट से ही इन्होंने रीइंफोर्समेंट की कहानी शुरू की, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में ज्यादा रोल है किसका, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। पुनर्बलन होता क्या है, जब आप किसी एक एक्ट को बढ़ाने के लिए कोई एक चीज दें, शाबाश कहना हो सकता है, कोई सामान देना हो सकता है, ठीक, वो रीइंफोर्समेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है तो और ज्यादा पढ़े, उस काम को और ज्यादा करे, ठीक। अगर मैं बात करूं तो दो प्रकार का होता है रीइंफोर्समेंट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव में आप कुछ ऐड करते हैं और बिहेवियर बढ़ता है, जैसे बच्चा पढ़ रहा था, आपने पानी ला करके रख दिया या चाय ला करके रख दी कि बेटा पढ़ ले कोई बात नहीं कल पेपर है, वो और ज्यादा अच्छे से फ्रेश हो गया वहीं पर कर लिया उसने, ये पॉजिटिव है। आपने कहा वेरी गुड, शाबाश, मेरा बच्चा तो बहुत पढ़ता है, ये क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, सकारात्मक पुनर्बलन है। सेकेंड टाइप है जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जिसको कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी ऋणात्मक पुनर्बलन। ऋणात्मक पुनर्बलन में ऐसा नहीं है कि आप कुछ ले जाएंगे, आप वो चीज हटा देंगे जिससे बच्चे को समस्या हो रही हो उस एक्शन को करने में जो आप उससे कराना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैन है, बहुत तेज आवाज कर रहा है, बच्चा पढ़ेगा, आपने फैन बंद कर दिया, मतलब आपने कुछ नेगेटिव स्टिमुलस हटा लिया जिसकी वजह से उसको वो एक्शन करने में, उसको बिहेवियर को ज्यादा करने में दिक्कत हो रही थी जो आप उससे चाहते थे। शोर आ रहा था गेट से, आपने गेट बंद कर दिया, ठीक, क्या हो गया, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जो आपकी कार होती है, जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाते वो बजर बजता रहता है आजकल, इवन जो बाइक्स हैं उनमें भी साइड स्टैंड के लिए एक लाइट ऑन रहती है, जब तक आप साइड स्टैंड को नहीं हटा लेते वो रेड लाइट जलती रहेगी, तो जब वो आप हटा देंगे वो रेड लाइट बंद हो जाएगी, मतलब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। आपके बिहेवियर को इंक्रीज कराना था पॉजिटिवली, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में भी कुछ हटाया जाता है ताकि बिहेवियर बढ़ जाए, और पॉजिटिव में कुछ ऐड किया जाता है ताकि बिहेवियर बढ़ जाए। अगर रीइंफोर्समेंट है तो बिहेवियर का बढ़ना निश्चित है 100%। बिहेवियर की कमी कहां होगी, पनिशमेंट में। पनिशमेंट चाहे पॉजिटिव हो, कुछ आपने लगाया हो या हटाया हो, पनिशमेंट में बिहेवियर का डिक्रीज होना बिल्कुल नेचुरल है। आपका मजाक उड़ाया गया कुछ गलत बोलने पे, ये क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट है। कुछ ऐड किया गया आपके बिहेवियर को कम कराने के लिए कि आप वो शब्द ही ना बोले जिसपे मजाक उड़ा हो, ठीक है। नेगेटिव पनिशमेंट क्या हो सकती है, समथिंग, मतलब कुछ भी इस तरीके का, एग्जैक्ट मेरे को अभी दिमाग में एग्जाम्पल नहीं आ रहा है नेगेटिव पनिशमेंट का, बट नेगेटिव पनिशमेंट में भी यही होता है कि आपसे कुछ छीना गया, लिया गया, चाहे वो फोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको सजा देनी है, आपको रूम में बंद कर दिया गया,
क्योंकि आपको सजा देनी है, आपको बाहर खेलने नहीं जाने दिया गया, नेगेटिव पनिशमेंट का बहुत अच्छा वो है, तो कुछ हटा लिया ताकि आपका बिहेवियर कम हो जाए, अगले दिन होमवर्क करें या वॉट एवर इट इज। तो ये सिंपल सी बात हुई। ट्रायल एंड एरर थ्योरी में, लॉ ऑफ इफेक्ट में बात हुई है रिवॉर्ड पनिशमेंट की, बट सबसे ज्यादा जो स्किनर कहते हैं कि रीइन्फोर्समेंट से क्या होगा, आप बच्चे के बिहेवियर को मोल्ड कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो मतलब जैसा आप चाहो वैसा उससे करा सकते हो। वो आपने देखा होगा डॉग्स को लोग ट्रेन करते हैं, कुत्तों को अपने, वो सिट सिट हैव और समथिंग लाइक दैट, मतलब वो ट्रेन कर रहे हैं रीइन्फोर्समेंट देके। रीइन्फोर्समेंट क्या है, वो कुत्ते की हड्डी उसके लिए रीइन्फोर्समेंट है कि जैसे चाहे वैसे करा सकते हैं। तो रीइन्फोर्समेंट से आप बिहेवियर मोल्ड कर सकते हो, रीइन्फोर्समेंट का बहुत ज्यादा रोल है आपके बिहेवियर में, ऐसा स्किनर कह रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट स्किनर की थ्योरी का है। हालांकि थॉर्नडाइक अगर ऑप्शन में दे देगा गलत नहीं होगा, बट द बेटर ऑप्शन इज बी, इसलिए हम बी के साथ जाएंगे। अगर क्वेश्चन को मोल्ड करके दे दे या ऑप्शन में बी ना हो, डी भी सही मान सकता है, बिल्कुल गलत नहीं होगा अगर डी को भी सही कह दे तो। ठीक, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है उसमें हमने बेस्ट ऑप्शन चूज किया है। होपफुली इतनी जो कहानी थी वो आपको समझ में आ गई होगी। अभी दो क्वेश्चन और बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच थियोरी ऑफ लर्निंग एम्फेसाइजेस ऑन मेकिंग द स्टूडेंट एक्टिव फॉर द डिस्कवरी ऑफ नॉलेज इन प्लेस ऑफ बिकमिंग अ पैसिव लिसनर ओनली। मतलब शिक्षा प्राप्ति का कौन सा तत्व के छात्र छात्राओं को केवल मतलब पैसिव ना बना करके, बच्चे को निष्क्रिय ना बना करके एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज बनाता है? ये तो आंख बंद करके बता दो कि जिन्होंने भी सीटेट क्रैक किया है। बहुत ज्यादा चिल्ला ली हूं क्या मैं आज? एक तो माइक होने के बावजूद भी मैं जब तक तेज ना बोलूं मुझे एनर्जी फील नहीं होती। देखिए, बिल्कुल भाई रचनावाद है ये तो, प्याजे वायगोस्की वाला कंस्ट्रक्टिविज्म। एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज कहता है कि बच्चे एक्टिवली बिल्ड करें नॉलेज को। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 16। कितने ठीक हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग इज, यानी व्याख्यान विधि किस चीज पे बेस्ड है? फटाफट से आंसर करो। ठीक है गुरप्रीत, देखते हैं। आई एम सीटेड क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ यू, कीर्ति कपूर। ऑल द बेस्ट आगे के लिए कीर्ति, मेरी पूरी कोशिश रहेगी जब तक है जान, जब तक है जान, कि एग्जाम्स आपके निकलते रहे। बहुत बढ़िया, सही है, आंसर करो। इतने में कमेंट्स पढ़ती हूँ। लास्ट क्वेश्चन है ये, जिनको जाना है वो जा भी सकते हैं। सेशन को लाइक शेयर करके जाएंगे, मुझसे कृपा आती है। अभी तो ऑप्शन होता है ना डीट प्लस बी में, अगर कुछ गलती हो गई तो उसका क्या बोलते हैं उसको, रिव्यू या एडिट करने का कुछ ऑप्शन होता है, वो तो फॉर्म फिलिंग में होगा, लिखा भी होगा नोटिस में। हो जाएगा चेंज, टेंशन मत लो। देखो एक बार, टीचर से लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग की यदि हम बात करें तो ये होता है टीचर सेंट्रिक, यानी शिक्षक केंद्रित होता है, क्योंकि शिक्षक के अनुसार चल रही हैं चीजें। एक जगह पे शिक्षक है और यहां सारे बच्चे बैठे हुए हैं कहीं पे, और यहीं से पूरा इंस्ट्रक्शन चल रहा है, चौक फेंक फेंक के मार रहे हैं टीचर, अरे सो गए क्या पीछे वाले हैं। तो लेक्चर मेथड टीचर सेंट्रिक है, पैसिव है, बच्चा उतना एक्टिव नहीं होता क्योंकि टीचर ज्यादा एक्टिव है। ये भी लेक्चर मेथड ही एक तरह का जैसे हम, लेकिन फिर भी आपको मौका मिल रहा है बोलने का। साइकोलॉजिकल बेस्ड स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं होता, एनवायरमेंट सेंट्रिक भी नहीं है, शिक्षक केंद्रित है। बहुत अच्छी विधि नहीं मानी जाती, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं, बड़े बच्चों के लिए लेक्चर मेथड अच्छा है। आप देखते हैं लेक्चरर किसको कहते हैं, जो बड़े बच्चों की क्लास के लिए पढ़ाते हैं, चाहे वो 11, 12th के टीचर्स हों, कॉलेज लेवल के हों, है ना। मतलब लेक्चर मेथड जो है उसकी कुछ खूबियां भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। खूबियां क्या हैं? खूबियां हैं कि बड़ी क्लास को, अभी 4000 लोग बैठ के देख रहे हैं, 3500 लोग बैठ के देख रहे हैं, वो क्या है, आराम से सुन सकते हैं, कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन डिलीवर हो सकती है, कम रिसोर्सेज में। सिर्फ चौक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं इसको, यानी पुराने जमाने में सबसे पुराना मेथड है ये। मतलब चौक का टीचर इस्तेमाल करता था और टॉक का, यानी बातों का, कम रिसोर्सेज में ज्यादा इंफॉर्मेशन डिलीवर की जा सकती है। चौक एंड टॉक मेथड कह देते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड भी इसको कह देते हैं। 11 out of 16 किरण पब्लिकेशन, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक प्रीवियस ईयर भी आती है उनकी, मैं कल बता दूंगी उसके बारे में, या नेक्स्ट मंडे को ही बताऊंगी। अब तो कल हम चर्चा करेंगे, वो मैं अभी बताऊंगी कल क्या करेंगे। आउट ऑफ 16 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए, और ये दोनों जो पीडीएफ हैं आज और कल की, और इवन परसों की भी जो आपकी साइकोलॉजी वाला टेस्ट हुआ था वो मैं शेयर कर दूंगी। आउट ऑफ 16 कितने हुए आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सेशन पसंद आया वो लाइक कर दीजिएगा, किसी और का भला करना हो तो शेयर कर दीजिएगा, और हम भी स्ट्रेंथ में बढ़े होंगे, है ना।
और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ठीक, बस इतनी सी ही कहानी है। ये जो पीडीएफ है, ये टेलीग्राम चैनल है लेट्स लर्न स्क्वाड, यहाँ मिल जाएगा, एकदम फ्री मिलेगा। गलत टेलीग्राम चैनल से मत जुड़िएगा, 3,06,000 लोग जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 12 out of 16 गुड 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 गुड, वेरी गुड, चलो बढ़िया है। अगर आपके 10 से ऊपर नहीं यार, 12-13 से ऊपर अगर नंबर है तब मैं अच्छा मानूंगी, एटलीस्ट 13 के ऊपर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आसान भी थे और कॉमन सेंस वाले भी थे। चलो फिर आज के लिए इतना ही। कल की अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने बताया, ये जो प्रैक्टिस सेशन है आपका, ये जो प्रैक्टिस सेशन है, इसका टाइम टेबल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 9 PM रखना है या 9:30 रखना है, ये मैं कल एक बार पोल दूंगी, आप बता दीजिएगा, है ना। वैसे अभी के लिए 9:30 PM है, चेंज होगा टाइम टेबल में तो मैं संडे वार्ता में बता दूंगी या कल एक पोल आपको दे दूंगी। ठीक, इसके अलावा थर्सडे का, ये लेट शुरू हुआ था इस बार, मंडे से नहीं ट्यूसडे से शुरू हुआ था इसलिए आज तक चला है। फ्राइडे, कल है फ्राइडे, और कल हम सी टेट की तैयारी, जो लोग अभी कर रहे हैं, मतलब कुछ भी स्टडी टिप्स पे होगा तो कल सी टेट पे बात करेंगे कि कैसे आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं अगर अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। और एक वीडियो मैं कोशिश करूंगी सुबह बना दूं कि हम लोग ये डिस्कस कर लें कि जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है सी टेट लाइफ टाइम होने की, उस पर भी बात कर लेंगे, अभी भी कन्फ्यूजन है कई लोगों को। सैटरडे हम रखेंगे ऑफ, ठीक, छुट्टी है। संडे को संडे वार्ता होगी, क्लियर है बात। कोई और सवाल हो, सुझाव हो, आप कमेंट सेक्शन में बता करके जा सकते हैं। सेशन पसंद आए लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, है ना। खुश रहिए और मेहनत करिए। थैंक यू सो मच। कोई कह रहा है इतना एटीट्यूड, जिसने जाना है वो चले जाओ, ये एटीट्यूड नहीं होता। आप लोग ले जाते हैं कुछ चीज़ों को गलत ना, क्योंकि हमें ऑनलाइन में पता नहीं लगता ना सामने वाला किस तरह से कह रहा है, तो हम अपने ही तरीके से लेते हैं, ये एटीट्यूड नहीं है। मेरा मतलब ये था कि 10:30 बज चुके हैं, कई लोग हैं स्पेशली फीमेल्स हैं जिनको सोना होता है, बच्चों की जिम्मेदारी है, और भी चीज़ें, हाउस होल्ड की जिम्मेदारी है, या किसी को जॉब पे जाना है या कुछ है, तो उस केस में लेट तो हो ही गया, तो मैं उसलिए कह रही थी कि अब तो बस लास्ट ही क्वेश्चन बचता है, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। ठीक है, एटीट्यूड कभी नहीं होता, ऐसा हम परसीव कर लेते हैं, दिस इज नॉट एटीट्यूड। ठीक, चलिए, ध्यान रखिए।